जब थाली महज 1 रुपए की हो, वो भी छोले पनीर कड़ी चावल और नान वाली, तो छक्कर कौन नहीं खाना चाहेगा। ये श्याम रसोई है जहाँ 1 रुपए की थाली मिलती है, 1 रुपए वो भी इसलिए ताकि कोई खाना बर्बाद न कर सके। एक रसोई ऐसी भी है जहाँ महज 1 रुपए में जरूरतमंद लोगों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। दिल्ली के नांगलोई में श्याम रसोई में जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें लंबे समय से भरपेट खाना खिलाने का काम यहाँ किया जा रहा है। 1.5 साल पहले प्रवीण गोयल ने श्याम रसोई की शुरुआत की थी। उस वक्त यहाँ 10 रुपए की थाली मिलती थी, लेकिन फिर प्रवीण गोयल ने 10 की जगह 1 रुपए की थाली कर दी। उनका कहना है कि ये काम वो समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, ताकि कोई पैसों की कमी की वजह से भूखा ना रहे। प्रवीण गोयल की इस पहल से यहाँ आने वाले लोग बेहद खुश हैं और उन्हें दुआएं देकर ही लौटते हैं। कब से आते हो यहाँ खाना खाने? सबसे पहले जब से शुरू हुआ है। अच्छा, जब से शुरू हुआ है? हाँ। यही रहते हो पास में? नहीं, यहाँ से थोड़ा लक्ष्मी पार्क के उधर। अच्छा, तो खाना कैसा होता है यहाँ का? सब अच्छी रहती है। और टेस्ट कैसा रहता है? टेस्ट मस्त रहता है। मस्त रहता है? हाँ। भैया को तो अच्छा लगता है खाना, आपको कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? सब्जी। सब्जी? कौन सी सब्जी? सब्जी अच्छा लगता है। सब चीज अच्छी लगती है। अच्छा, पनीर की सब्जी कैसी लगती है? अच्छी। अच्छी लगती है। मिली नहीं आपको आज पनीर की सब्जी? तो यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, और पनीर की सब्जी अभी आपको मिलेगी, आपकी थाली में भी आएगी पनीर की सब्जी। तो बच्चों को तो खाना सब कुछ अच्छा लगता है, यहाँ तक कि बच्चों का कहना है कि मस्त लगता है। अब थोड़ा बड़ों से भी जान लिया जाए कि उनको खाना कैसा लगता है। भैया आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैम कुछ ही दिन आए हूँ। अच्छा, कैसा लगता है खाना? बढ़िया। बढ़िया लगता है। और यहाँ पे फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है सर। अच्छा, कैसी कैसी फैसिलिटी? लाइक मतलब कि यहाँ पे क्यू में आते हैं सब लाइन से, और भक्त वो मतलब कि शांति से अपना बैठ के खाते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, सीए करता हूँ। अच्छा जी। तो और मैं खाने का आपका यहाँ से हो जाता है? जी मैम, घर पे भी रहते हैं पर मतलब कि कभी कभी यहाँ आ जाते। कभी कभी जी। तो टेस्ट कैसा रहता है? मैम बहुत पर क्या मैम। तो यहाँ पर जो लोग आसपास में रहते हैं, उनका कहना है कि टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और वैरायटी बहुत सारी खाने के लिए मिलती है, वो भी महज 1 रुपए में। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ